आज का हमारा अपडेट है हावड़ा कोलकाता से चलने वाली ट्रेनों के ऊपर। इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे दिसंबर के महीने में कौन सी ट्रेन रहेगी रद्द, इसके साथ ही ऐसी कौन सी ट्रेन का परिचालन दिसंबर में शुरू होने जा रहा है और जनवरी तक कौन कौन सी ट्रेन चलेगी। तो चलिए इस वीडियो अपडेट को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कोरोना की वजह से महीनों से बंद पड़े ट्रेनों को धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। ऐसे में अब सियालदह अजमेर एक्सप्रेस कोहरे की वजह से रद्द हो गई है। वापस से इस ट्रेन का परिचालन अब निरस्त कर दिया गया। 16 दिसंबर से ही इस ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया और यह ट्रेन अब पूरे जनवरी तक नहीं चलेगी। इसी बीच रेलवे ने एक बड़ी घोषणा की है जिनमें कि हावड़ा कोलकाता अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की बात सामने आई है। कोरोना की वजह से महीनों से बंद पड़े ट्रेनों को खोला जाएगा और इसी को लेकर के अजमेर कोलकाता एक्सप्रेस से एक अच्छी खबर आई है। इस ट्रेन को 31 से कोलकाता से अजमेर के बीच चलाने का ऐलान किया गया है और यह ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है जिसकी चलाने की घोषणा होने के बाद आम यात्रियों में इस ट्रेन को लेकर के बुकिंग के बारे में पूछताछ जानकारी ले रहे हैं। इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग में बुकिंग सबसे तेज रफ्तार में हुई है। अब तक 25 जनवरी तक इस श्रेणी में टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि नो रूम हो चुका है। स्लीपर में सेकंड एसी के कुछ सीटें अलग अलग तिथियों में खाली है। खाली सीटें को भी जल्द बुक कर लिया जाएगा। ऐसे में अगर आप सफर करना चाहते हैं इस ट्रेन से कोलकाता के बीच तो फिर आपको इस ट्रेन में जल्द से बुकिंग करानी पड़ेगी। 31 से कोलकाता से यह ट्रेन चलने वाली है जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल सेकंड सीटिंग से सेकंड एसी तक चंद सीटें ही खाली है। यात्रा करना चाहते हैं तो जल्द टिकट बुक करा लें और इंतजार बिल्कुल न करें। अजमेर से आने वाली ट्रेन किस क्लास में किस दिन खाली रहेगी इसका भी जल्द अपडेट हम लाने वाले हैं। इसके साथ ही इस ट्रेन का परिचालन 31 से शुरू होने वाला है, वहीं 28 से यह ट्रेन अजमेर से चलेगी। तो यह था आज का पूरा लेटेस्ट अपडेट। इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।